प्रकृति की सुंदरता में डूबे हुए आपके चारों ओर फैली हुई धुंध भरी पहाड़ियाँ, चीड़ और देवदार के पेड़ हवा के साथ अनजान सुगंधों के साथ लुका छुपी खेलते हुए, नीली आंखों के रंग वाली झीलें ना समझाने वाली भाषाओं में भजन गाते मल्लाहों के साथ आपको आखिरकार एहसास हुआ कि धरती पर स्वर्ग है। आप अपनी आंखें खोलते हैं और आसपास का एनवायरनमेंट आपको एक सुंदर श्रद्धा में डुबो देने वाला दिखाई देता है। एक ऐसी श्रद्धा जब बर्फ से ढके पहाड़ समय की धुन पर डांस करने लगते हैं और आपको एहसास होता है कि धरती पर स्वर्ग है और उसका नाम है कश्मीर। और क्या आप जानते हैं कि द्रास नाम की एक जगह है जो भारत की सबसे ठंडी बसावट वाली जगह है, जहाँ का तापमान -45 डिग्री तक से भी कम हो जाता है। ये राज्य भारत में केसर का सबसे बड़ा उत्पादक और पूरे विश्व में केसर का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। क्या आप जानते हैं भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग कौन सी है? ये चेनानी नासिर सुरंग 9 किलोमीटर की लंबी है, जो चेनानी जम्मू में स्थित है। तो बेर, चीड़ के पेड़ों और देवदार की भूमि पर एक आकर्षक यात्रा के लिए तैयार हो जाइए। सुंदरता में डूब जाए और बर्फ से ढकी वादियों के साथ डांस करने के साथ तैयार। डल झील, ट्यूलिप और सिकारा का नाम लेते ही जहन में श्रीनगर की तस्वीर बनने लगती है, लेकिन इसकी पहचान सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं। झील लकड़ी वाली नाव और फ्लोटिंग मार्केट के कारण वेनिस का अनुभव करता है। यही वजह है कि श्रीनगर को वेनिस ऑफ द ईस्ट कहते हैं। पिछले एक दशक में यहाँ खास तौर पर वेडिंग फोटो शूट करने के लिए सैलानी आया करते। श्रीनगर को लकड़ी बोट इंडस्ट्री के नाम से भी जाना जाता है। आइए बात कर लेते हैं पहले यहाँ के कुछ फेमस जगहों के बारे में। मुगल गार्डन, श्रीनगर को मुगल गार्डन के लिए भी जाना जाता है। यहाँ आते हैं तो शालीमार बाग, निषाद बाग और चश्मे शाही जैसे गार्डन का लुत्फ उठा सकते हैं। श्रीनगर को कश्मीरी हैंडीक्राफ्ट के लिए भी जाना जाता है। यहाँ पर पश्मीरा मसाल, हाथों से बनी कारपेट, लकड़ी के बने हैंडीक्राफ्ट मिलते हैं। अगर आप कश्मीरी एम्ब्रॉयडरी को पसंद करते हैं तो इसके लिए श्रीनगर बेहतरीन डेस्टिनेशन साबित होगा। दुनिया भर के सैलानी यहां आते हैं और यहां के प्रधानों को खरीदना और उनके साथ फोटो खींचना नहीं भूलते। हजरत बल दरगाह, ये श्रीनगर की प्रसिद्ध दरगाह है। ये दरगाह कश्मीरी स्थापत्य कला और मुगल वास्तुकला की खूबसूरती को भी दर्शाती है। सफेद संगमरमर से बनी इस दरगाह के पास कई बगीचे हैं। बर्फ से घिरे पहाड़ों पर स्कीइंग, ट्रेकिंग, श्रीनगर में बर्फ से घिरे पहाड़ों पर स्कीइंग और ट्रेकिंग जैसी एडवेंचरस एक्टिविटी करना अपने आप भी अलग अनुभव देता है। वर्ल्ड फेमस ट्यूलिप गार्डन, श्रीनगर का ट्यूलिप गार्डन भी पूरी दुनिया में फेमस है। श्रीनगर का इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है, जहां इसकी ढेरों सारी वैरायटी सामने आती है। झीलों पर तैरती सिकारा फ्लोटिंग मार्केट के कारण श्रीनगर को वेनिस ऑफ द ईस्ट कहते हैं, जैसे वेनिस जैसा एहसास कराता है। क्या आपको कुछ पता है, भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग जम्मू कश्मीर में बसी है। इसे पीर पंजाल रेलवे सुरंग या बनिहाल रेलवे सुरंग का नाम दिया गया है। ये 11.215 किलोमीटर लंबा और 8.4 मीटर चौड़ा और 7.39 मीटर ऊंचा है। ये बनिहाल रेलवे सुरंग भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग होने के साथ साथ एशिया की चौथी सबसे लंबी रेलवे सुरंग है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि रेलगाड़ियां जम्मू कश्मीर के बर्फ से ढके पहाड़ी गुम्बदों के बीच से गुनगुनाती, सीटी बजाती और हॉर्न बजाती निकलती। आप झीलों पर तैरते सिकारों को आसानी से देख सकते, जो घाटी की आंखों की तरह है। सबसे नीली आंख, मल्लाहों के साथ कश्मीर के लोक गीत उत्साहपूर्वक गाए जाते हैं। पर्यटकों के झुंड पृथ्वी पर इस स्वर्ग के दरवाजे से आते हुए दिखाई देते हैं। वास्तव में कह सकते हैं कि धरती के स्वर्ग में हम प्रवेश कर चुके हैं। जैसा कि किसी ने कहा था, अगर धरती पर कहीं स्वर्ग है तो यही कश्मीर में है। देश का ताज न सिर्फ आंखों को सुकून देता है बल्कि आपके स्वाद के लिए भी चमत्कार करता है। मुंह में पानी ला देने वाला कश्मीरी भोजन के व्यंजन आपका पेट तो भर देंगे, लेकिन आपकी जवान और खाने को तरसती रहेगी। कश्मीरी कबाब से लेकर कहुआ तक, यहाँ खाने की कई वैरायटी। अगर आप कश्मीरी जायके को पसंद करते हैं तो श्रीनगर का रुख जरूर कर सकते हैं, जिनमें से फेमस हैं रोगन जोश, मोदुर पुलाव, दम मोलाव, यखनी लैम करी, गोश्तबा, कहुआ, सब देख, आप गोश, यहाँ के फेमस फूड हैं। बात कर लेते हैं यहाँ की फेमस खेती के बारे में। आखिर कश्मीर लोग कौन से खेती ज़्यादा करते हैं? सेरीकल्चर, रेशम की खेती भी यहाँ बहुत पैमाने पर की जाती है। कश्मीर की घाटी में बड़े बागानों में सेब, नाशपाती, आड़ू, अखरोट, बादाम और चेरी का उत्पादन होता है और उसके साथ साथ यहाँ की फेमस फसल जाफरान यानी कि केसर की खेती की जाती है। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आप सबको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दो। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं किसी ऐसे ही वीडियो में, तब तक देखते रहो।
नमस्कार, धन्यवाद।